सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रसल स्ट्रोक। लगभग एक या दो दिन पहले इंस्टाग्राम पे Q&A सेशन रखती है मैंडी रोज, और मैंडी रोज से पूछा जाता है कि क्या आप AEW में जाने वाली हैं। तो मैंडी रोज ये जवाब देती हैं कि अगर वहां से उनको कॉल आएगा तो एब्सोल्युटली नो डाउट वो वहां पे जाना चाहेंगी। तो गाइज, इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं कैसे मैंडी रोज का हमें WWE के बाद AEW में डेब्यू हो सकता है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो, और चलिए सली वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो गाइस, काफ़ी सैडली ये वाला न्यूज़ निकल के आता है कि जब WWE अपने कंपनी से मैंडी रोज को रिलीज़ कर देती है, मैंडी रोज लगभग एक दिन पहले यानी कि NXT के एपिसोड में अपने NXT वुमेन्स चैंपियनशिप को हारती हैं रुक्साना प्रेज से। रुक्साना प्रेज वर्सेस मैंडी रोज का मैच देखने को मिलता है। इस वाले मैच में मैंडी रोज अपना NXT वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करती हैं, और मैंडी रोज जैसे ही हारती हैं उसके एक दिन बाद WWE उनका अपने कंपनी से रिलीज़ कर देती है यानी कि बाहर कर देती है। मैंडी रोज का और WWE का कोई लेना देना अभी करेंट में नहीं है। और गाइस, रीज़न ये निकल के आते हैं कि मैंडी रोज कुछ, मतलब आप ये बोल सकते हो गाइस कि मैं अभी ओपनली ये चीज़ नहीं बता सकता हूँ, मैंडी रोज कुछ गलत चीज़ें करती हैं जो कि अपने वेबसाइट पे पोस्ट करती है, आप समझ जाओ न्यूड पोस्ट करती है, जिसके कारण से वो काफ़ी पैसा भी कमाती हैं। लेकिन WWE ये रीज़न देकर उनको अपने कंपनी से बाहर कर देती है, यानी कि अपने बॉडी को यूज़ करके वो पैसा कमाती हैं अपने वेबसाइट पर से, जिसको WWE को देख के काफ़ी ख़राब लगता है, उनके रेपुटेशन पे मतलब काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचती है, जिसके कारण से WWE अपने कंपनी से उनको रिलीज़ कर देती है। और गाइस, मैंडी रोज रिसेंट में एक Q&A करती है इंस्टाग्राम पे, और गाइस उस Q&A में यानी कि मैंडी रोज खुद ही करती है अपने इंस्टाग्राम पे Q&A, और उनमें से एक बंदा क्वेश्चन पूछता है, यानी कि Q&A में जब रहती है तो एक बंदा उनसे क्वेश्चन करता है कि अगर आपको AEW से कॉल आएगा तो AEW में आप जाना चाहेंगे या नहीं, या आप रेसलिंग करना चाहेंगे नहीं। तो वो बोलती है कि डेफिनेटली नो डाउट, अगर वहाँ पे से उनको फ़ोन आएगा तो वहाँ जा पे जाना चाहेंगी। उनका कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वहाँ पे से उनको कॉल आता है तो वो वहाँ पे जाना चाहेंगी। और देखते हैं गाइज कि अब टोनी खान उनको कॉल करते हैं या नहीं। कॉल तो अलग बात है गाइज, तो टोनी खान इनसे मीट करते हैं या नहीं। तो मैंडी रोज तो ऊपर से बता रहे हैं कि हाँ भैया देखो, अगर उधर से कॉल आएगा, अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलेगा तो मैं वहाँ पे जा सकती हूँ। तो मैंडी रोज का कुछ ये कहना है कि WWE के बाद अगर AEW से कॉल आता है तो डेफिनेटली नो डाउट वो AEW में जाना चाहेंगी। तो देखते हैं गाइज कि इन नियर फ्यूचर मैंडी रोज का हमें WWE के बाद AEW में डेब्यू देखने को मिलता है नहीं, लेकिन मैंडी रोज का तो कुछ यही कहना था।